हरीम शाह की वीडियोस कौन मंजरे आम पर लाया, किसने इसे सोशल मीडिया पर फैलाया और कौन अब इससे फायदा उठाएगा? हरीम शाह ने वीडियोस को असली क्यों तस्लीम किया? खोज लगाने वालों ने सब कुछ खोज लिया। हरीम शाह पाकिस्तान में टिकटॉक की दुनिया का ऐसा रोशन सितारा है जिसके सामने बड़े बड़े टिकटॉकर भी पानी भरते नजर आए। हरीम शाह की धूम और चर्चे इक्तदार के एवानों से वडेरों के बाला खानों तक गूंजे। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मैं डरने वाली तो हूँ नहीं, डरूंगी क्यों, लाइक अगर कोई भी चीज उनको फेस करना चाहिए मैं मुकर गई, पता नहीं मीडिया पे क्या क्या वो होता है। हरीम शाह शोकिया टिकटॉकर नहीं है, ये उनका बिजनेस, कारोबार, धंधा या प्रोफेशन, जो आप कहना चाहते हैं इसका नाम रख लें। वो पाकिस्तान की पहली टिकटॉकर हैं जिन्हें टिकटॉक ने बकायदा डॉलर्स में अदायगियां की, जो आज के दिन तक वो वसूल कर रही हैं। बेशक अब उसकी मिकदार आटे में नमक के बराबर रह गई है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। हरीम शाह की गैर इखलाकी वीडियोस खुद हरीम शाह ने ही वायरल कराई हैं। पर्दे का बहुत ख्याल रखा जाता है तो मैं पर्दा नहीं करती, मैं कहाँ पे नंगी होके फिर रही हूँ, कहाँ पे बेलबास हुई हूँ, सर पे दुपट्टा करना ना करना वो मेरा अपना वो है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन है जो सर पे दुपट्टा नहीं करती, मैं वो नहीं करती। आपको पता है हया पर्दे के बारे में मैं कोई पैसों मुबाइसा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि पर्दा जो है मर्द के लिए अगर नाप से घुटनों तक है तो औरत के लिए हाथ पांव और सर के मतलब हाथ फेस और पांव के अलावा पूरे का पूरा जिस्म ढांपना पर्दे। मैं पर्दे पे बहस नहीं करना चाहती, मैं इस्लामी उस पे वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये मेरी मर्जी है, मेरा अल्लाह मुझे पूछेगा कि मैं सर पे दुपट्टा लेती हूँ या नहीं। हमारे जराये के मुताबिक हरीम शाह जल्द अमीर होने के लिए अब उन सियासी और मजहबी शख्सियात को ब्लैकमेल करना चाहती हैं जो कभी उनकी जुल्फों के असीर रहे हैं। ये वीडियोस बैरून मुल्क लंदन में बैठे एक दोस्त से वायरल कराई गई हैं और उसे पहली किस का नाम दिया गया है।